दोस्तों, मित्रों, साथियों, ज्ञान दर्शन वन औषध यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक अद्भुत जड़ी बूटी यानी पलाश के फूलों के बारे में जानकारी देंगे। फूल हम सभी को बेहद पसंद होते हैं, उसकी खुशबू, उनका खूबसूरत रंग मन को लुभाता है। भगवान को चढ़ाने व अनेक प्रकार की दवाइयों का फूल से उपयोग किया जाता है और फूलों को हम दवा बनाने के काम में लेते हैं। मित्रों, गुलाब, गेंदा, कमल आदि नामों में शामिल हैं फूल। तो मित्रों, आज हम आपको एक वन औषधि पलाश के फूलों के फायदे के बारे में आपको जानकारी देंगे। पलाश के फूल से आप नहीं जानते होंगे तो आप जान लें। हम आज अपने ज्ञान दर्शन वन औषधि यूट्यूब के माध्यम से पलाश के फूल की छाल, पलाश के पत्ते, पलाश का गोंद, पलाश से जानकारी, औषधीय जानकारी देना चाहूँगा। तो जानकारी लेने से पहले, आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पुश करें, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिले। तो मित्रों, अगर आप हमारे नियमित वीडियोस को देखते हैं तो आपकी एक लाइक बनती है। आपके लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ेगा और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का मन करेगा। तो आइए जानते हैं पलाश के फूलों के बारे में। पलाश फबसी परिवार का एक फूल है जिसका वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। यह भारत में आसानी से किसी भी स्थान पर मिल जाता है। पलाश के फूल के अलावा इसकी पत्तियाँ, छाल व बीज का उपयोग अनेक प्रकार से दवाइयाँ बनाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, पलाश को जंगल की आग भी कहा गया है। इसका उपनाम जंगल की आग भी है। पलाश के औषधीय गुणों के कारण इसकी दवाएँ बनाने का इस्तेमाल किया जाता है। त्रिदोष को खत्म करता है। त्रिदोष यानी वात पित्त कफ के उपचार करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा पलाश में कई औषधीय गुण होते हैं। इसकी जड़ में कृमिनाशक गुण पाए जाते हैं। एप्रोजिसिक तत्व पाया जाता है, एक्रोडिजेसिक तत्व पाया जाता है, यौन इच्छा बढ़ाने वाला, एनाल्जेसिक दर्द को कम करने वाला, और इसके अलावा एंटीबायोटिक प्रभाव भी पाया जाता है। मधुमेह की समस्या में नियमित इसका सेवन करें तो यह नियंत्रित करता है मधुमेह को। पलाश की जड़ में ड्यूरेटिक यानी पानी मूत्रवर्धक गुण मौजूद होते हैं, इसलिए यह नमक को यूरिन के रास्ते बाहर निकाल सकता है। इसका सूजन कम करने के गुण मौजूद होते हैं। पलाश को एथेनॉल अर्क से एंटी हाइपरग्लाइसेमिक गुण पाए जाते हैं जो मधुमेह को नियंत्रित करता है। 2 हफ्ते में 200 ग्राम पलाश का सेवन करने से ब्लड शुगर और सीरम कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। पलाश के फूल में मेथनॉलिक अर्क होता है। इस अर्क में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। ये घाव को ठीक करने का काम करता है और सूजन में सहायक है। इसमें मौजूद ब्यूटिन, आइसोब्यूटिन और आइसोक्लोरोसिन नामक तत्व पाया जाता है जो सूजन को कम करने में फायदेमंद है। पलाश के बीज पेट दर्द से जुड़ी समस्या में फायदेमंद हैं। यह पेट के कीड़े मारने के लिए उत्तम औषधि है। पलाश के फूल क्रोनिक बुखार से आराम दिलाते हैं और बुखार में कारगर हैं। रक्त में गंदगी के कारण मुहासे, रैशन, एलर्जी को साफ करने के लिए हर्बल औषध का काम करता है। पलाश की छाल का काढ़ा, पलाश की छाल ब्लड प्यूरीफाई करती है। आयुर्वेद के अनुसार पलाश के फूलों में एंटी
एंटी लेप्रिक गुण होते हैं जो कुष्ठ रोग से आराम दिलाने में काम करते हैं। पलाश के फूल पाइल्स में लाभकारी हैं। सूखे फूलों के पाउडर का इस्तेमाल करके आप पाइल्स की समस्या से छुटकारा ले सकते हैं। पलाश की छाल का जूस घेंघा गाइंडर रोग की लाभकारी माना गया है। यह थायराइड ग्रंथ को मजबूत भी प्रदान करता है। पलाश का जूस, पलाश का गोंद, दाद खाद खुजली पर लेप करने से त्वचा संबंधी रोग ठीक हो जाते हैं। मित्रों, त्वचा संबंधी रोगों के लिए पलाश की गोंद का ही प्रयोग करें। यौन शक्ति बढ़ाने में मददगार है पलाश। पलाश में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण ऑक्सीडेंटिव स्ट्रेस को कम करके इस समस्या से आराम दिलाता है। साथ ही नाइट्रिक ऑक्साइड और एंट्रोजन के स्तर को बढ़ाता है, जिससे पुरुषों की यौन समस्या से आराम मिल सकता है। दोस्तों, पलाश के फूलों को लाएं और उनको अच्छी तरह से धो लें, फिर उनको छाया में सुखा लें, फिर जितनी मात्रा में पलाश के फूल हों उतनी ही मात्रा में मिश्री मिलाकर इसका बारीक चूर्ण बना लें और यौन समस्याओं में पुरुषों में एंट्रोजन की कमी, हार्मोन्स की कमी, शुक्राणुओं की कमी, यानी कि पुरुषों में अनेक प्रकार की जो मर्दाना ताकत होती है, उसके लिए इन फूलों को बराबर मिश्री मिलाकर बारीक चूर्ण बनाकर एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम यदि नियमित पुरुष एक माह तक सेवन करेगा तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। मित्रों, एक चम्मच पलाश के फूल और एक चम्मच मिश्री मिला हुआ मिश्रित चूर्ण यदि आप इसको लेते हैं ऊपर से गाय का दूध पिए, बहुत ही फायदेमंद, बहुत ही लाभदायक। यह पुरुषों के हार्मोनल समस्याओं में शुक्राणुओं की वृद्धि में फायदेमंद है। मित्रों, पलाश के फूलों का उपयोग बालों की समस्या में किया जाता है। पलाश का उपयोग इस तरह से करने से आप पलाश के फूलों को सुखाकर पाउडर बनाकर उपयोग करें। पलाश के फूलों को रात में पानी में भिगोकर रख दें और सुबह पानी छानकर मिश्री मिलाकर पी सकते हैं। बीजों को सरसों के तेल में डालकर गर्म करके आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। पलाश की को सप्लीमेंटेड दवा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। पलाश की छाल, फूल, पत्ते सभी उपयोगी हैं। मित्रों, इनको आप पंसारी की दुकान से लेकर भी यूज कर सकते हैं। मित्रों, उपयोग करने के पहले आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह अनुसार ही करें। दोस्तों, आज हमने आपको पलाश के फूलों के बारे में, पलाश की छाल के बारे में, पलाश के बीजों के बारे में, पलाश के गोंद के बारे में अपने ज्ञान दर्शन वन औषध यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानकारी दी है। तो मित्रों, यदि हमारा वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक अवश्य करें। आपके लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ेगा और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का मन करेगा। तो मित्रों, आज हमने आपको यह औषधीय जानकारी दी है। यह आपको कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें कमेंट अवश्य करें। तो मित्रों, आज के वीडियो में हमने इन सब औषधीय जानकारियों के बारे में जानकारी दी है। तो मित्रों, देते रहूँगा एक औषधीय जानकारी के साथ, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।